ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चल तो आज का जो एक क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं बोल सकता, हद से ज्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आपको पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ के दिखाता हूँ और फिर देखते हैं आप लोग को इसमें से क्या क्या समझते हैं। फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर 31 दिसंबर 2021 एंड द करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोक डाउन बाय द ईयर ऑफ परचेज एज फॉलो। ठीक है, तो अभी क्या बोला है कि बाबा मशीनरी परचेज की उसका आपको कॉस्ट दिया है, क्या दिया है कॉस्ट, और आपको क्या बोला है डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन बताया, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो जो 2005 में मशीनरी परचेज की है कितने की 2 लाख की, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है, हाँ 2 लाख। इसका मतलब क्या हो गया कि बाबा इसके ऊपर पूरा ये खत्म हो गया है। इसकी वैल्यू कितनी आज की तारीख में, जीरो है। कितनी है, जीरो। 2011 के इसमें देखोगे तो क्या में दिखेगा तुम लोग को, सर 3 लाख की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन भी 3 लाख का चार्ज कर लिया है, हाँ है ना। तो बैलेंस कितना बचा इसका भी, इसकी भी वैल्यू कितनी है, अरे भाई जीरो है ना। सर 2012 का जो मशीनरी वो 10 लाख में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 10 लाख में, और उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना मेंटेन किया है, मतलब आज की तारीख पे इसकी वैल्यू कितनी है, 50,000 है। ये कभी की बातें चल रही है भाई, 31 दिसंबर 2021 की बात चल रही है कि वैल्यू बैलेंस कितनी है उनकी। ठीक है, 13 का कितना रहेगा सर, समवेयर अराउंड 1,000, 1,05,000। 20 का और 21 का 2,85,000 बराबर। ये इनकी क्या बच रही है, बैलेंस बच रही है, इनकी क्या बच रही है बैलेंस। चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन इज एट द रेट 10% पर एनम एट कॉस्ट। क्या बोला इन्होंने, डेप्रिसिएशन कितना है 10% पर एनम है। ठीक है, एक बात तो क्लियर है, मतलब कि डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहा है 10। द कंपनी इज द इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल द परचेसेस एंड द सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट आर ऑफर्ड ऑन 30 जून। मतलब आपने जो भी सेल परचेस किया है ना वो कब किया है, 30 जून को किया है, ये फिक्स है। इनकी डेट क्या है, ये डेट फिक्स है। और हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए, ड्यूरिंग 2022 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। तो सबसे पहले और क्या क्या जो हम लोग बात कर रहे हैं अगले साल की, क्योंकि अगले साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना हम लोग को मेन, है ना। तो अगले साल का डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो अगले साल की कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 50 लाख। मतलब एक और मशीनरी परचेस की सर, एक और क्या की मैंने, मशीनरी परचेस की बराबर। फिर उसके बाद क्या हुआ, अ प्लांट हैड बीन ब्रॉट इन 2011 फॉर 1,70,000 वॉज स्क्रैप। स्क्रैप क्या मतलब, स्क्रैप क्या बाबा, निकाल के फेंक दिया, उससे कुछ रेवेन्यू बिल्ड हुआ क्या, हाँ नहीं। लेकिन एक किसकी बात कर रहे हैं, 2011 में जो लाया था मशीनरी उसकी बातें कर रहे, तो मतलब इसकी बातें हो रही है, इसकी बात हो रही है 2011 वाले मशीनरी की। कितने का था, 3 लाख का था, लेकिन उसमें से कितने की मशीनरी पे डाली है, खाली 1,70,000 की। तो बची कितनी अभी भी मशीनरी, 1,30,000 की अभी भी मशीनरी आप लोग के पास बची है। इज इट क्लियर सर। अ प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2012 फॉर 90,000 वॉज सोल्ड फॉर 5,000। अभी कौन सी बातें चल रही है बाबा, 2012 की बातें चल रही है, 2012 की बातें चल रही है। ठीक है, 12 में क्या हो रहा है बाबा, सर हम लोग ने प्लांट लाया था एक 10 लाख का टोटल लाया था मशीनरी, लेकिन उसमें से एक प्लांट था, उसमें से एक पार्ट था जो कितने का था, 90,000 का था। कितने का था, 90,000 का, और उसको सेल कितने में किया हम लोग ने, 5,000 में सेल किया। लेकिन आप अगर उसको देखोगे, चलो आगे बात बात आगे बात करते हैं, ये प्रॉफिट है कि लॉस है कि क्या है, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज वगैरह होगा, वो आगे बात करते हैं।
A plant that had been brought in 2013 for 2,50,000 was sold for 15,000. तो ये जो किधर गया पापा? 2013 वाला, ये वाला, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ठीक है? इसके ऊपर भी क्या है मेरी एडजस्टमेंट है, इज इट क्लियर? चलो ठीक है, यहां तक किसको कोई डाउट है? स्टार्ट करें अभी तो भाई, शुरुआत होगी तुम लोग की। सबसे पहले तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे आप लोगों को, क्या क्या बनाने बोले हम लोग? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022। इन कैलकुलेटिंग दिस प्रोविजन यू शुड बियर इन माइंड दैट इट इज बीन कंपनीज पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट कंप्लीटली सेपरेट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर्स ड्यूरिंग द 2022। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट बोला उन्होंने, डिप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन बनाना है और सेल और डिस्पोजल ऑफ मशीनरी बनाना है। चलो भाई, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी अपनी? शुरुआत कहां से होगी बताओ? हाँ, तो सबसे पहले तो मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, आया ना? केली तरी चालेल, नाही केली तरी चालेल, तुम्ही काय केलं? करायची गरज नाहीये, कारण का एकच वर्षाचं काढायचंय ना। चलो पहिले तर मला सांगायचं सर, 2021 मध्ये ना आपण अभि 22 मे सॉरी फर्स्ट जय बराबर ना, 2022 यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉडडाउन। अभी बैलेंस ब्रॉडडाउन कितने का आएगा? देखो प्रोविजन वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन है अपना? प्रोविजन वाला क्वेश्चन है, सीधी सिंपल सी बात होती है भाई, इसका टोटल आता है, क्या आता है ये पूरा टोटल। तो बैलेंस ब्रॉडडाउन कितना होने वाला है? पूरा 30 लाख का होगा, है ना? अभी तो कुछ बेचा नहीं है, 2021 तक कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने सीधा बोला है कि बाबा जो कुछ भी कांड हुए कब हुए? ड्यूरिंग 2022, मतलब 1 जनवरी 2022 में सारी चीजें स्टार्ट हुई है, आया ना? तो चलो बैलेंस बॉटल कितना आ रहा है मेरा? 33 करोड़ हो गया क्या ये? चलो डन, फिर क्या बनाएंगे और क्या बनाना है पापा? प्रोविजन बनाना है ना, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? प्रोविजन का भी टोटल लेना है भाई, प्रोविजन का भी क्या लेना है? टोटल लेना है। तो एक किधर आएगा ओपनिंग बैलेंस, इसकी किधर आएगी? कितना है बाबा? ट्वेंटी 1,35,000। किसको कोई डाउट इसमें? हाँ नहीं सारा मुफ फादर, और क्या बनाने बोला उन्होंने हम लोग को? डिस्पोजल भी बनाना है ना। चलो स्टार्ट करें, अभी 2022 में आते हैं, सबसे पहले तो हुआ क्या है वो देखते हैं। 2022 में आते हैं, सबसे पहले हुआ क्या वो देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ बाबा? परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग रुपीज 50 लाख की। तो यहाँ पे आएगा मेरा मशीनरी बड़ा मेरा, तो यहाँ पे इफेक्ट होगा ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला था भाई, जो सेल एंड परचेस हो रहा है कौन से डेट पे हो रहा है? 30 जून, ये उन्होंने स्पेसिफाइड किया, तो हम लोग को यही डेट पकड़ के चलनी है, आया ना? तो यहाँ पे डेट क्या आएगी? 30 जून आएगी। क्या लिखूंगा? टू बैंक अमाउंट कितना? बराबर। चलो फिर क्या बोला? अ प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2011, अ प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2011 फॉर रुपीज 1,70,000 वॉज क्रैक। अभी 2011 की वैल्यू कितनी है? डेप्रिशिएट कितना मार्च चार्ज कर चुके हो उसके ऊपर? 3 लाख। मतलब इसके ऊपर कुछ बैलेंस बच रहा है क्या तुम लोग का? नहीं बच रहा। इसके ऊपर तुम लोग का कुछ बैलेंस बचेगा क्या? नहीं। तो अभी क्या होने वाला है? ट्रांसफर कहाँ पे होगा? डिस्पोजेबल में होगा। तो यहाँ पे जा दो, अच्छे से ध्यान दो भाई, क्या आएगा यहाँ पे? मशीन पहले तो कम हो जाएगी, कौन सी डेट आएगा यहाँ पे? 30 जून आएगा। ट्रांसफर कहाँ पे करूंगा? बाय डिस्पोजेबल अकाउंट। कितना रुपए ट्रांसफर, कितने रुपए की मशीन ट्रांसफर होगी भाई?
बराबर है, लेकिन सिर्फ मशीन यही ट्रांसफर होगा क्या? तो डिस्पोजेबल अकाउंट में आके मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, यहाँ पे आके डेट लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा, सो वापिस सेम डेट आएगी ना, 30th जून, क्या लिखूंगा, टू मशीनरी कितना। अभी मुझे एक बात बता, कैलकुलेशन करने की वैसे तो जरूरत थी नहीं, लेकिन ये 1,70,000 की मशीन जो स्क्रैप की है इसके ऊपर मैंने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए अभी तक, सिर्फ 3,00,000 की मशीनरी थी। एक्चुअली 2000 कौन से तारीख बोला उन्होंने, 2011 बोला है, 2011 में मैंने जो मशीनरी परचेस की है मेरी, वो कितने की परचेस की है बाबा, 3,00,000 की मशीनरी, 3,00,000 के ऊपर मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना मेंटेन किया है, 3,00,000 के ऊपर 3,00,000 का डेप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी मेंटेन किया है, इसका मतलब क्या, वैल्यू कुछ बच रही है क्या? तो 2,70,000 का जब आप सेल करोगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा, सॉरी 1,70,000 के ऊपर जब आप सेल कर रहे हो 1,70,000 की, तो उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन भी कितना होगा, 1,70,000 का ही होगा ना। अगर पूरा 3,00,000 का मशीनरी जाता तो उसके साथ डेप्रिसिएशन भी कितना जाता, 3,00,000 का ही जाता ना मेरे भाई, आया ना। तो इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉपी पेस्ट, क्या गया भाई यहाँ पे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, ये क्या हो रहा है मेरा, पहली ना नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ हो रहा है क्या प्रॉफिट लॉस, नहीं हो रहा है ना, तो आगे बढ़े। फिर उसके बाद और क्या बोला है, और क्या बोला है, अ प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2012 फॉर 90,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000, क्या बोला है, 2000 कौन से लाया, 2012 में लाया, 2012 में कितने का प्लांट लाया था हम लोग ने बाबा, 10,00,000 का लाया था, कितने का लाया था भाई, एक चारे कैलकुलेटर मत लो ना, ध्यान दो ना भाई यहाँ पे जरा, इधर कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होने वाला, समझ रहे हो, अभी जरा प्लीज जरा 5 मिनट जरा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो जरा तुम लोग मेरे तरफ भाई, 2012 में जो ये मशीनरी लाया हम लोग ने कितने का लाया, 10,00,000 का लाया, बराबर ठीक है, 10,00,000 का जो मशीनरी है उसकी वैल्यू कितनी बची अभी अपने पास खाली, ये 50,000 बची है बराबर, 6 महीने का वैसे ना वैसे तो डेप्रिसिएशन चार्ज तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो मशीन सेल होने वाली है 90,000 की वो तो 30th जून को सेल होगी ना, तो 6 महीने का तो पूरा 10,00,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा मेरे को, आया ना, समझ रहे हो कि नहीं, 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन 10,00,000 के ऊपर चार्ज हो रही है तो कितना होगा, 10,00,000 के ऊपर 10% कितना होता है, 1,00,000 होता है 6 महीने के लिए, वैल्यू कितनी बची उसकी, 6 महीने खत्म होते होते वैल्यू कितनी बची, 0 हो गई ना भाई, वैल्यू कितनी हो गई, 0, और हायर साइड पे अभी आप बोलोगे सर नहीं बाकी के जो बचे हुए जो असेट है उसके ऊपर मेरे को पूरे साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, तू मार ही नहीं सकता भाई डेप्रिसिएशन, क्यों नहीं मार सकता बताओ, वैल्यू खत्म हो गई ना, क्या भी माइनस में लेके जाएगा असेट को, आप अगर कायदे से देखोगे तो 1,00,000 लगना चाहिए था पूरे साल का डेप्रिसिएशन बराबर, चलो 90,000 को अलग से रखते हैं, 90,000 को अलग से रखते हो पूरा अलग से रखते हैं, कितना बचा, 9,10,000 बचा, 9,10,000 का 10% जो पूरे साल का है कितना है, कितना 90,000 बराबर की नहीं है, हमारी असेट्स की उतनी वैल्यू भी है क्या, है क्या अपनी असेट्स की उतनी वैल्यू, तो हायर साइड पे मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं, सिर्फ 50,000 ही कर सकता हूं भाई, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा तुम लोग को, मैं क्या बोल रहा हूं बोलने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोग को, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक डेप्रिसिएटिंग अमाउंट होती है कि उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, 10,00,000 का तुम लोग का क्या है असेट्स है ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी इसकी वैल्यू कम 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 होते होते आ गई है, अभी कुछ लास्ट में कुछ बची है 50,000 बची है, कितनी बची है 50,000 बची है, अभी आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% डेप्रिसिएट मारना है,
ओरिजिनल कॉस्ट पे मतलब एस एल एम मेथड है ना, तो कितना आएगा वैल्यू? हाँ तो अभी मेरे पास सिर्फ 50,000 की वैल्यू बची, तो मैं क्या 1,00,000 का डेप्रिसिएशन मार सकता हूं क्या? क्यों नहीं मार सकता? उतनी उस असेट की वैल्यू नहीं है, तो जितनी वैल्यू है हायर साइड तक मैं उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं। समझ रहा है? समझा? तो इसके लिए 50,000, तो जब साल खत्म मतलब 90,000 का जो असेट हम लोग सेल करेंगे तो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन जाने वाला है, जो 90,000 का डेप्रिसिएशन है उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएट होने वाला है वो पूरा, है ना? तो मुझे क्या मिलेगा? 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा। वापिस से पूछ रहा हूँ, क्या मिलेगा? 5,000 का प्रॉफिट। बता दो तुम लोग का भी किधर लिख के। 30 जून को क्या हुआ? वापिस से मशीन डिस्पोजेबल अकाउंट मैनेजर को ट्रांसफर करना पड़ा। कितना कितने का सेल हो रहा है? 90,000 का है ना। कितना हो रहा है? तो अभी मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में आ जाते। चलो बताओ, यहाँ पे मशीनरी आएगा वापस से कितने की? हाँ सेल उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना मेंटेन किया है? हाँ कितना मेंटेन किया है? 90,000 का मेंटेन किया है, राइट? और सेल कितने में हुए हो? सेल ऑफ मशीनरी कितने में? 5,000 में हुआ, बराबर है ना? देखो अभी आप लोग का मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट प्रॉफिट में चला गया कि नहीं? कितने से प्रॉफिट दिख रहा है? 5,000 से प्रॉफिट दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है? अभी लास्ट एंट्री, अभी लास्ट के लिए हम इधर क्या बाबा मेरा क्वेश्चन, अभी लास्ट एक ही बचा है ना। अभी A plant that had been brought in 2013 for 2,40,000 was sold for 15,000. तो कौन सा बाबा 2013 की बात चल रही है ना? जो कौन सी बातें चल रही है? 7,00,000 की बातें चल रही है। किसी बातें चल रही है? 7,00,000 की। तो अभी इसमें से क्या हुआ है? 2,40,000 का जो 2,40,000 है उसको कितने में सेल किया है? 15,000। तो लाया कब था? 2013 में। 13 में कब लाया रहेगा? 30 जून को ही लाया रहेगा। उन्होंने दिया नहीं है भाई, दिमाग लगाना है। उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे? ऑल दैट अज्यूम दैट ऑल द परचेसेस एंड सेल्स और डिस्पोजल ऑकर्ड ऑन 30 जून। ये किधर उन लोग बार बार नहीं बोलते बैठेंगे? तुम लोग को एक ही बार दिया है खाली, सब जगह पे वही अज्यूम करना है, ठीक है? तो ये बहुत ये वाला ही पॉइंट खाली ट्रिकी, ये वाला समझा तो भाई जिंदगी आसान हो जाएगी तुम लोग को, ठीक है? क्योंकि इसका डिप्रिसिएशन निकालना भी दिक्कत आएगी ना तुम लोग को, आएगी कि नहीं आएगी दिक्कत? आएगी। क्या हुआ है? 2013 में 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगा। 2013 में क्या हुआ उसका भाई? इधर मैं जरा दिख के दिखाता हूँ तुम लोग को, ताकि तुम लोग को अच्छे से आइडिया। बहुत ही जिंदगी में मैं अलग जगह पे पहुंच गया थोड़ा। कब परचेस की थी? 2000 कब परचेस की थी भाई? 13 में तो 6 महीने, कितने की परचेस की थी भाई? है 7,00,000 की, लेकिन अपने को अपने को कैलकुलेशन कितने का चाहिए? कितने का चाहिए? 2,40,000 का चाहिए। तो जरा ध्यान दो, तो 2013 में डिप्रिसिएशन कितना आएगा? से इसका पूरा 10%। हाँ लेकिन 6 मंथ्स के लिए ना, कितना? कुछ तो गड़बड़ हुआ क्या? हाँ 12,000 बराबर 2014 आएगा यहाँ पे। कब तक अभी इसको खींचना है भाई? इसको खींचना कब तक है? 21 तक कि 22 भी है? 22 का भी लेना पड़ेगा ना, लेकिन 22 का तो 6 महीने का आएगा ना। 2,40,000 के ऊपर पूरा अभी इधर 10% आएगा, राइट? आए ना, ये पूरा 21 तक ऐसे ही चलते हैं। वापस गड़बड़ हो गए और यहाँ पे वापिस से कितना आ जाएगा मेरा? 12,000 आ जाएगा। तो अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा मैंने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया बाबा पूरा टोटल। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया मैंने? 2,60,000। मेरे असेट्स की वैल्यू कितनी थी? 2,40,000। असेट की वैल्यू कितनी थी? 2,40,000। अभी बच कितनी रही है उसकी वैल्यू?
कितना बेचा कितने में? तो क्या प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? 24,000 आ गया मेरा असेट्स का वैल्यू, बेचा कितने में? 15,000 में बेचा ना, कितने में बेचा? तो क्या होने वाला है मेरे को? लॉस होने वाला है। क्या होने वाला है? लॉस। तो अभी यहाँ पे ध्यान, ये कैलकुलेशन कैसे क्या पता चला ना, ये तुम लोग कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि भाई क्वेश्चन में कौन सा मेथड नहीं बोला है करने का, क्वेश्चन में कोई मेथड बोला नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा अज्यूम किया है करने का आप लोग? SLM मेथड अज्यूम करेंगे। कौन सा वाला? SLM मेथड। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो सर वापिस क्या हुआ है, मशीनरी ट्रांसफर हुई है वापिस एक हुई है कि नहीं? कितने तारीख को? 30 जून को मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट कितने की? 2,40,000 की। कितने की? 2,40,000 की। बराबर डिस्पोजेबल में भी आ जाएगा 2 मशीनरी 2,40,000 बराबर की नहीं? यहाँ पे क्या होगा मेरा डिप्रिसिएशन आएगा उसका, कितना हुआ डिप्रिसिएशन आप तक तो उस असेट्स के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया हम लोग ने? 2,16,000 आया ना, इसको कोई डाउट इसमें नहीं। अभी क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल होगा तो बैंक पे पैसा आएगा ना, सेल होगा तो क्या होगा बैंक में पैसा आएगा कितना? तो यहाँ पे आएगा मेरा बैंक 15,000। अभी क्या होगा प्रॉफिट होगा लॉस होगा? कितने से? 9,000 से। कितने का लॉस हुआ? 9,000 का। क्यों? क्योंकि सर 90,000 का मशीन सेल किया तो हम लोग को क्या हुआ 5,000 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये जो दूसरा मशीनरी हम लोग ने सेल किया तो हम लोग को लॉस हुआ कितने का? तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल भी क्या हो गया मेरा लॉस कितने से? 4,000 से। तो अभी इसका डेबिट बैलेंस बचेगा ना, आप अगर इसका अभी टोटल निकालोगे मशीनरी डिस्पोजेबल का तो कुछ इतना आ रहा है, उल्टा किया लिखा 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 मैंने, क्या आ रहा है बाबा ये? क्या हो गया भाई 4,000 का क्या बच रहा है मेरा? लॉस बच रहा है। समझ रहा है? तो भाई दो तीन चीजें मिक्स करके दिए ना, तो तुम लोग को समझ के चलनी है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं अभी ऊपर बाकी है ना। क्या बाकी है सर? असेट्स मशीनरी अभी बची कितनी अपने पास? अभी तक हम लोग ने बाकी असेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया नहीं है, तो बाकी सब चीजों का भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, है ना? तो अभी इधर आप लोग अपना वर्किंग नोट ओपन कर सकते हो। डिप्रिसिएशन फॉर 2022। तो अभी जो सबसे पहले मशीनरी कौन सी मशीनरी थी बाबा? सर 2005 वाली जो मशीनरी थी इसके ऊपर डिप्रिसिएशन आएगा क्या भाई? तुम लोग को बताना डिप्रिसिएशन आएगा नहीं, क्योंकि सर उसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है ना, उसके ऊपर क्या ऑलरेडी चार्ज है। फिर उसके बाद क्या आएगा 2011 पे आएगा डिप्रिसिएशन आएगा नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ क्योंकि सर उसके ऊपर भी ऑलरेडी फुल खत्म हो गया है, मतलब उसके असेट्स उसके ऊपर जितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते थे आप उतना ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। समझ रहा है? आगे बढ़ते हैं 2012 आएगा कुछ डिप्रिसिएशन, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आएगा क्या, कितना आएगा? 50,000 ही आएगा ना भाई। सर अगर कायदे के हिसाब से देखोगे तो 9,10,000 के ऊपर 91,000 का डिप्रिसिएशन आएगा बराबर, और जो 9,000 बच के उसके ऊपर 6 महीने का आता है ना तो 4,500 आएगा, तो टोटल मेरा जाता है समवेयर अराउंड 95,500 बराबर। लेकिन ये उतना डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर मेरे असेट्स की वैल्यू उतनी है ही नहीं। मेरे असेट्स की वैल्यू कितनी है? 50,000। तो हायर साइड में मैं कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ? तो इसके लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद 2013 का डिप्रिसिएशन आएगा। अब इसका डिप्रिसिएशन थोड़ा अलग बनेगा ना, बनेगा कि नहीं? ठीक है चलो। तो अभी असेट्स कितने बचे बाबा? अपने असेट्स कितने के बचे? 4,60,000। ठीक है, तो 4,60,000 का इस साल पे डिप्रिसिएशन कितना आएगा भाई? पूरे साल का ही आएगा ना, ये तो पूरे साल का ही आएगा मेरा। यहाँ पे जो 23,000 आया कितने महीने का था? ये
पहले साल में खरीदा रहेगा तो 6 महीने में लगा देगा ना, 4,37,000 बचा है ना मेरा, है ना। अभी मतलब इसके ऊपर अभी मेरे पास इसके ऊपर मैं 46 पूरा साल का 46,000 का चार्ज कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना भाई, 22 का मैंने कैलकुलेट किया है भाई, इधर देख रहे हो क्या तुम लोग? अगर ये कैलकुलेट नहीं करूंगा तो मेरी 69,000 के असेट्स बच रहे अभी भी। हाँ हम लोग ने ऑलरेडी करके रखा, रहेंगे अलग हुआ ना, अभी स्प्लिट हुआ ना, तो 69,000 की वैल्यू अभी भी बच रही है ना मेरी, है ना। तो इसके ऊपर मैं इस साल का डेप्रिसिएशन पूरा ले सकता हूँ क्या? ले सकता हूँ ना। ये 46,000 आएगा मेरा, कितना आएगा? 46,000। जरा यहाँ पे जाके लिख दो। अच्छा ये जो मैं इधर एक्सेल पे कर रहा हूँ तुम लोगों को कैलकुलेटर पे करना है, वो किस पे करना है? कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है। 2014 अभी और अगला परचेस कब हुआ है? 2020 में हुआ है सर। इसके ऊपर तो बट्टा वैसे आराम से बैठ जाएगा पूरे साल का, बैठेगा कि नहीं? कितना? 10% है ना, तो कितना आएगा? 50,000 आएगा। और 21 का भी आएगा पूरा 30 का। और सर एक बार इस साल भी परचेस किए ना, परचेस किए कि नहीं? कितने की? 15 लाख की ना, तो 15 लाख के ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आता है? इज इट क्लियर? तो मेरा इस साल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना मेंटेन हो रहा है? क्या हाँ उसका 12,000 का भी आएगा बराबर बराबर। तो 2013 में यहाँ पे एक और प्लस होगा बराबर। अच्छा याद दिला रहे तो आंसर गलत हो जाता। 46,000 प्लस 12,000 क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन हम लोग ने लिया है ना, यूज किया है ना, आया ना, तो वो भी आ गया। तो मेरा टोटल कितना बना? 2,63,000। तो ये आ जाएगा मेरा कहाँ पे? डेप्रिसिएशन फॉर प्रोविजन अकाउंट में। किधर आके लिखूंगा मैं? यहाँ पे आके लिखूंगा। क्या आएगा बताओ? 31 दिसंबर कितना आ रहा है टोटल? 263 बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, अभी भी बाकी है कुछ, तो बताओ क्या बाकी है सर? जो डेप्रिसिएशन आपने इधर डिस्पोजेबल में ट्रांसफर किया है ना, वो क्या होगा? वो सब लेस करना है उधर जाके। तो फिर उसका लेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा ना। कौन से तारीख को हो रहा है सब काम? 30 जून को ट्रांसफर हो रहे ना सारे। क्या है? टू मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट कितना है बाबा? पहला पहले कितनी वैल्यू ट्रांसफर हुई है? 1,70,000, फिर 90,000, फिर 2,16,000 हो गया, ठीक है। डाउट डाउट अभी मारो बैलेंस कितना बच रहा है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट? 19,22,000, ठीक है। मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट में आप लोग को क्या मिल रहा है? लॉस मिल रहा है, इसको क्या बोलूंगा? लॉस ऑन सेल बोलेंगे, आया ना। और क्या मिल रहा है? और क्या मिल रहा है सर? मशीनरी कितनी बची है अभी अपने पास? मशीनरी कितनी बची है? 40 लाख के अपने पास क्या बच रहे सर? ये 31 दिसंबर का ये मेरा क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉट सॉरी कैरेट ऑफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अभी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ऊपर गया क्या? मतलब अपन जिंदगी में कुछ ज्यादा ही नहीं चाहते। हाँ स्टार्ट करें। देखो उनका वर्किंग नोट है, पहले जो मैंने इधर बनाया ना ये छोटू सा, वही उन्होंने भी बनाया। तुम लोग को भी ऐसे ही छोटू सा बनाना है, डेट डालनी है और कैलकुलेशन दिखाओगे तो नहीं दिखाओगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट है। 2005 में कितना डेप्रिसिएशन है? कितना है? नील है ना, तो मैंने भी नील ही रखा है ना। 2011 में भी नील है, यहाँ पे भी क्या है? नील है। फिर उसके बाद 2012 में भाई मैक्सिमम 50,000 ही कर सकते हो डेप्रिसिएशन चार्ज, क्योंकि उतनी ही वैल्यू है बच रही उसकी। इसके लिए हम लोग ने भी कितना किया है? 50,000 चार्ज किया। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद क्या दिख रहा है तुम लोग को? सर दोनों का ऐड किया ना, सिद्धू ने बताया था, देखो ऐड करना था
तो देखो मैंने भी ऐड किया है 46,000 + 12,000, इज इट क्लियर? फिर क्या है, 5 लाख 30 लाख, ये तो सिंपल था, ये सिंपल था। तो मेरा डिप्रिसिएशन की प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, टोटल 2,63,000। मशीनरी बच कितने की रही है मेरे पास, 40 लाख की मशीनरी बच रही है ना। प्रोविजन का बैलेंस कितना आ रहा है, 19,22,000। प्रोविजन का बैलेंस कितना आ रहा है मेरा, 19,22,000, इज इट क्लियर? फिर उसके बाद क्या है, मशीनरी सेल ऑन डिस्पोजेबल एंड प्लांटेड मशीनरी अकाउंट कितना आ रहा है, 4,000 का बैलेंस बच रहा है ना। देखो उन्होंने सब अपना मर्ज करके डाला है, आप लोगों ने अलग अलग लिखा, मैंने अलग अलग इसके लिए बताया ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। नहीं तो अलग अलग नंबर देखो के बोले कि सर ये सोल्ड कुछ 3,30,000 का दिख रहा है, ऐसा तो किधर एंट्री है ही नहीं। फिर क्या करोगे, तो उतना समझने की दिमाग रहना चाहिए कि किसकी बातें कर रहा है, 2,30,000 3,30,000 किसकी बातें कर रहा है, एक 90,000 की एंट्री थी और एक 2,40,000 की एंट्री थी, ये उसको दोनों को ऐड करके एंट्री पास की उन्होंने, ठीक है हो गया, कितना ही बनाना था, ठीक है सॉल्व किया ना कुछ है? चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, मजेदार वाला समझे। ये सेम क्वेश्चन मैंने बुक में भी रखा है मैंने, छोड़ो उधर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिनका नहीं हुआ है वो लोग सॉल्व कर लो, फिर हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखने, ठीक है सबका। नंबर 4 या 5 कुछ तो है, वो ओपन करो। चलो इलेस्टेशन नंबर 4, मशीन आर मेथड। चलो स्टार्ट करें मशीन आर मेथड। तब ये मेथड क्या बोलता है, देखो ये जो मेथड्स है उनमें हम लोग को सिर्फ नॉर्मल डिप्रिसिएशन लगाना होता है। कौन सा डिप्रिसिएशन लगाना होता है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका किसके ऊपर डिपेंड करता है डिप्रिसिएशन, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब जितनी मशीन की कैपेसिटी, समझो एक मशीन की कैपेसिटी 1,00,000 units प्रोड्यूस करने की है, आपने एक ऐसी मशीनरी परचेस की है जिसकी कैपेसिटी कितनी प्रोड्यूस करने की है, 1,00,000। लेकिन लेकिन अगर आपने उसे 10,000 units प्रोड्यूस की है तो उसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, जितना आपने उससे प्रोड्यूस किया है उतने ही रेशियो के ऊपर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इज इट क्लियर? अगले साल आप लोग ने 20,000 का किया तो 20,000 का मतलब उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। उसके अगले साल आप लोग ने कुछ 40,000 का किया था तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर उसके अगले साल 5,000 का प्रोडक्शन किया क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, हाँ तो उस हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे एक सेकंड का यहाँ पे ध्यान दो, SLM में क्या आता था हर साल से, WDV में क्या आता था बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन था, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, है ना। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या, नहीं, आप जितना प्रोड्यूस करोगे उतना उस प्रोपोर्शनेट में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इज इट क्लियर? लेकिन किस पे, जो डेप्रिसिएटिंग अमाउंट होगी उस पे, फॉर एग्जाम्पल 30 लाख की मशीनरी परचेस की, 30 लाख की मशीनरी परचेस की, उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2 लाख, तो डेप्रिसिएटिंग वैल्यू कितनी हुई, 28 लाख ना, कितनी हो गई 28 लाख, मतलब पे डेप्रिसिएशन 28 लाख तक ही मार सकता हूं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता। 28 लाख का डेप्रिसिएशन ले लिया ना एक बार मैंने, फिर आप ही उसको मुझे बेचना ही है, अगर स्क्रैप करना होगा तो स्क्रैप ही करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता, इज इट क्लियर? तो क्या हुआ देखो, अ मशीनरी वॉज परचेस, अ मशीनरी वॉज परचेस फॉर ₹30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग लाइफ ऑफ 24,000 hours, ठीक है। अभी हम लोग ने मशीन ऐसी परचेस के जो ज्यादा से ज्यादा 24,000 hours चल सकती है, कितना घंटा चलेगी वो मशीन, मतलब उसकी लाइफ दी है उन्होंने, उसकी लाइफ कितनी है 24,000 hours, ये उसकी क्या है लाइफ है। और फिर क्या बोला था, स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी 2 लाख रुपीज,
उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2 लाख है. कितनी है? 2 लाख. एंड एंटीसिपेट द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलो. मतलब कि भाई हर साल वो मशीन कितना घंटा काम करती थी उसको आपको उसका बाइफर्केशन आपको दिया है. तो पहले 3 साल तक कितना घंटा काम करती थी? उसके 4, 5, 6. मतलब अगले 3 साल कितना घंटा काम कर रही थी वो मशीनरी? 2600. और फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10. क्या हो रहा है कि सर नई मशीन थी तो हम लोग उससे ज्यादा काम कराते हैं. मशीन जैसे जैसे जूनी होती है तो उससे क्या कम कम काम कराते हैं, राइट? तो डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, इनिशियल डेज में ज्यादा लगेगा और बाद में कम लगेगा. समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका लेकिन प्रोपोर्शनेट कैसा निकालेंगे सर? मेन मुद्दा तो वही है, हम लोग को क्या निकालना है? प्रोपोर्शनेट निकालना है ना. तो सबसे पहले तो क्या देखोगे कि सर, सबसे पहले तो देखोगे डेप्रिसिएटिंग वैल्यू कितनी है. कितनी डेप्रिसिएटिंग वैल्यू है सर? 30 लाख. 30 लाख की मशीनरी है, स्क्रैप वैल्यू कितना है? डेप्रिसिएटिंग वैल्यू कितना हो गया? 28 लाख. तो 28 लाख का डेप्रिसिएशन है मेरा. तो 28 लाख का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूँ. लेकिन प्रोपोर्शनेट बोला है ना. प्रोपोर्शनेट किसका लोगे सर? 3000 से लोगे. किससे लोगे? तो मल्टीप्लाई बाय 3000 डिवाइड बाय 24000. 000 विल गेट कैंसिल, 00 विल गेट कैंसिल. 3 1 3 28 जरा डिवाइड करके वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? 3 लाख. तो पहले 3 साल तक मेरा डिप्रिसिएशन कितना लगेगा बाबा? 3,50,000 का डिप्रिसिएशन लगेगा. तो ऐसे सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 28 लाख ही रखना है, कुछ वैल्यू कम नहीं करनी है. 28 लाख पे सर 2600 बोला है, तो 2600 डिवाइड बाय 24000 कितना? कितना? 3,00,000 यार है. तो लास्ट ईयर का कितना आएगा सर? पहले साल का 3,50,000 आया अपना, सेकेंड ईयर का है 3,03,333 और लास्ट ईयर का कितना आया? सिंपल था. तो ये होता है तुम लोग का, ये कौन सा था? ये मशीन आर मेथड था, कि कितना घंटा चलेगी उस हिसाब से. और जो अभी सेकेंड मेथड है आप लोग का वो है प्रोडक्शन यूनिट मेथड. जिसके पहले जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था ना कि आपने कितना प्रोड्यूस किया उस प्रोपोर्शनेट पे आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा. फॉर्मूला सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है. तो मशीन परचेस फॉर 20 लाख, कितने की मशीनरी परचेस किया बाबा? 20 लाख. इट इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 इयर्स. उसकी लाइफ कितनी है? 10 साल की उसकी लाइफ है. विद द रेड्यूसल वैल्यू ऑफ 2 लाख. रेड्यूसल वैल्यू मतलब कि कम से कम कितना वैल्यू हो सकता है उसका भाई? कम से कम वैल्यू बोला है, कितना हो सकता है? 2 लाख. वो कौन सी वैल्यू है? रेड्यूसल वैल्यू मतलब कौन सी वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू. कि आप उस पे, उसके नीचे तो उसकी वैल्यू जा नहीं सकती. उस पे तो आपको बेचना पड़ेगा या तो स्क्रैप करना पड़ेगा. आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते. तो मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स इन इट्स लाइफ टाइम. उसकी जो लाइफ टाइम बताइए 10 इयर्स, उसमें वो कितना प्रोडक्शन देने वाले अपने को? 1,50,000 की, 1.5 लाख का तो प्रोडक्शन होने वाला है ना. एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलो. पहले 3 साल में 20,000 यूनिट्स है. तो वापिस से वही डेप्रिसिएटिंग वैल्यू कितना आ रहा है अनुज? डेप्रिसिएटिंग वैल्यू कितना है? 18 लाख. अभी मेरे को डेप्रिसिएशन बता पहले 3 साल का कितना आएगा? 2,14,000. कैसे निकाला सर? 18 लाख बच रहा था, मल्टीप्लाई बाय सर 20,000 का प्रोडक्शन है ना, तो 20,000 डिवाइड बाय 1,50,000. आंसर कितना आ रहा है? 4 कट, ये भी 4 कट. बताओ कितना आ रहा है? 2,14,000, राइट? 40 की 14 है, 40,000. इज इट क्लियर? हाँ. सेकेंड और थर्ड का भी बताओ तो निकाल के. 1 लाख और थर्ड का. इज इट क्लियर? देखो 2,40,000, 1,80,000 एंड
1,20,000. इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट नहीं ना? डेप्लीशन मेथड और डिप्लीशन मेथड ये क्या है? अभी आप लोगों ने ये तो सुना है कि सर लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, सुना है कि नहीं सुना? लेकिन कुछ ऐसे भी लैंड होते हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जिसमें से मिनरल्स निकलते हैं ना, मिनरल समझता है ना, ये आयरन, ये सब जो मिनरल्स होते हैं, अपना साइज पहले से कच्चा है, ठीक है? तो उनकी जब पता चलता है कि केजीएफ देखा है ना, हाँ केजीएफ देखा है, केजीएफ में क्या दिखा है कि उनको एक ऐसी जमीन मिलती है जिसमें से क्या मिलता है, उन लोग को सोना मिलता है. क्या मिलता है? सोना मिलने वाला है, राइट? तो तुम लोग को क्या लगता है, सारा सोना निकाल, अभी जब पता चला है तो उसकी वैल्यू हाई रहेगी, है ना? तुम लोग ने तो सुना है ना कि लैंड की भाव कभी नीचे नहीं जाती, लेकिन तुम लोग बता दो ना, मैंने उसमें से सारा सोना निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कब हो जाएगी ना मेरे भाई, वैल्यू क्या हो जाएगी कब? तो कुछ ऐसे भी लैंड होते हैं जिसमें से आपको मिनरल्स मिलने वाला है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, क्योंकि आप उसमें से उसकी आप प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हो भाई, समझ रहे हो कि नहीं? आप उसकी क्या कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हो. उसमें से मिनरल्स निकल रहे थे, वो आपने निकाल लिए, अभी वो लैंड की कुछ बचेगा इज्जत नहीं बची ना पापा. तुम्हें क्षेत्रीय, तुम्ही पढलेला रान घेणार की कल्टिवेटेड रान घेणार? हा क्यों बता ना, क्यों लोगे? क्योंकि उसमें मिनरल्स है. पढ़ी किरानात कभी मिनरल्स नसता, फर्टिलाइजर सप्ताह म्हणून जे लोक मुंबईला वगैरे जाऊन राहतात ना, ते त्यांचं रान कोणाला तरी देतात करायला, करा भले आम्हाला काय घेऊ नका, आमचं तसंच आहे. वी हॅव 10 acres ऑफ लँड इन आर विरे, आमच्या गावी 10 acres जमीन आहे, पूर्ण दिली आहे. अरे रिटर्न काय घेत नाही आम्ही त्यांच्याकडे, काहीच घेत नाही. आम्ही फक्त सांगितलं की तुम्ही फक्त लक्ष द्या जमिनीकडे, का त्यांना काय भेटणार आहे? जर लक्ष दिलं नाही तर ते फर्टिलायझर काय होणार, संपणार. मग त्या व्हॅल्यू लँडची व्हॅल्यू राहणार का? नाही. कोण विकत नाही घेणार मग ती लँड, अनलेस अँड अनटिल तुम्ही तिला परत रिकल्टिवेट, सॉइल इरोजन म्हणून एक प्रोसेस असते, ते केल्यानंतर कल्टिवेट होतात परत, पण खर्च होणार ना परत, मग त्याच्यापेक्षा आधीपासूनच लक्ष द्या. इज इट क्लिअर? तो आप एक एग्जाम्पल दिया, वो देखते तो एक समझ में आ गया ना. कुछ ऐसे लैंड होते हैं जिससे मिनरल्स मिलता है आप लोग को, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. अभी साउथ ईस्ट की जो कंट्री है, सऊदी अरेबियन की जो कंट्री है, आपने अरेबियन नेशंस बोलते हैं हम लोग उसको, उसमें से ऑयल निकलते हैं, पेट्रोलियम निकलता है, तो उनके लैंड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी कि बढ़ती जाएगी? हाँ बढ़ेगी कि कम होगी भाई? कम होगी ना. क्यों कम होगी? क्योंकि सर उनका जो मिनरल है वो लोग निकाल के क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो चलो, वैसे सूर्य एंड कंपनी टुक अ लीज ऑफ अ क्वेरी ऑन 1st January 2019 फॉर 1 crore. कितने में लीज पे लिया बाबा एक जगह? हाँ 1, जरा जोर से बोलो, 1 crore. मेरा अकेले का आवाज तुम सब लोग से जाता है. कितने का लिया जमीन बाबा लीज पे? एज पर एस टेक्निकल एस्टिमेटेड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 lakh tons. कितना मिनरल निकलने वाला है उसमें से? 2 lakh tons. द डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्रिसिएशन मेथड. एक्सट्रैक्शन मेथड इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. आपको जो उसमें से मिनरल्स निकले हैं उसका जो ये है आउटपुट है वो आपको दिया गया 2019, 2020 और 2021 का. तो 2019 सेम मेथड. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, रेड्यूसल वैल्यू दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, दिया है क्या? तो क्या करना पड़ेगा, पूरा डेप्रिसिएटिंग अमाउंट ऐसा अज्यूम करके चलना है. इज इट क्लियर? पूरी जितनी भी अमाउंट है सारी क्या डेप्रिसिएटिंग अमाउंट है. तो 1 crore पे आप लोग को पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना, निकालो 2000 upon 2 lakh. कितना आ रहा आंसर? हाँ तो पहले 3 साल को पहले साल पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा?
1 लाख लगेगा, दूसरे साल पे सर, दूसरे साल पे 5 लाख लग रहा है, तीसरे साल पे कितना लगेगा? हाँ सर, पहले साल पे डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1 लाख का, फिर उसके बाद 5 लाख का, और फिर अभी यार उन्होंने पूछा क्या है, लीज अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, इज इट क्लियर? तो तीनों क्वेश्चन आपको अभी नोटबुक में सॉल्व करने हैं, फटाफट स्टार्ट सॉल्व कर, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम लोग का अमोर्टाइजेशन के साथ और चेंज इन मेथड के साथ। तो कल हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, चेंज इन मेथड और अमोर्टाइजेशन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आज का लेक्चर बस यहाँ पे ही खत्म करता हूं मैं, कुछ वर्क वगैरह रहेगा पेंटिंग वगैरह तो आज भी करते बैठ जाओ तुम लोग, ठीक है।